अपनी राह में कर चयन का तय, मंजिल तक पहुंचा देगा स्वयं का निश्चय। वैकेंसीज भर्ती कई प्रकार की होती है, आपने देखा होगा इस परीक्षार्थी जीवन में कभी कभी भर्तियां ऐसी आती हैं कि हमारे पास बरसों सोचने का समय होता है। हम फॉर्म भरे, फिर एडमिट कार्ड आया, फिर परीक्षा की तारीख आई और हमने एक वर्ष के अंतराल में भर्ती को पूरा किया। लेकिन यह जो भर्ती है यह उन भर्तियों से अलग है, क्योंकि यहां पर आपके पास सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की, जिसके 1500 से अधिक पदों के लिए आपने देखा कि विज्ञापन आ चुका है, परीक्षा भरने की तिथि भी आ चुकी है और परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 2 माह का समय है। इस भर्ती में वही लोग चयनित होंगे जो समय का सदुपयोग पहले दिन से, पहले मिनट से, बहुत सटीकता से और बहुत गुणवत्ता से करेंगे, नहीं तो इस भर्ती में आप चयनित नहीं होंगे। क्योंकि एक विस्तृत सिलेबस है, यहां पर आपको क्रमबद्ध तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है जूनियर शिक्षक भर्ती की। जो भी सदस्य इस भर्ती को सुपर टेट समझ रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुरूप समझ रहे हैं, वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सभी विषयों का पाठ्यक्रम उठा के देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी में मैथ और विज्ञान का जो आपका पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल अलग है और यहां पर आपका पाठ्यक्रम है बिल्कुल अलग है, आपका स्तर भी बिल्कुल अलग अलग है। टीजीटी पीजीटी में आपको 10+2 को पढ़ाना है और यहां पर आपको 6, 7 और 8 को पढ़ाना है। तो अब आवश्यकता है कि आप सही तरीके से सही पथ पर आगे बढ़े। टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश प्रारंभ कर रहा है, ऑनलाइन बैच प्रारंभ कर रहा है और हमने अपने ऑनलाइन बैच का नाम रखा है निश्चय बैच। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए कक्षाएं कल से ही प्रारंभ हो रही हैं और बैच में प्रवेश प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो रही है। मैं इस परीक्षा की पूरी तकनीकी विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा, पाठ्यक्रम प्रश्नवार में आपको बताऊंगा, उससे पहले बैच से संबंधित जानकारियों को मैं आपके सामने प्रेषित करता हूं। जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक का पद एक प्रतिष्ठित पद है, मौके बार बार नहीं मिलते। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम के साथ, अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ प्रदेश का सबसे बड़ा बैच अपने संस्थान में प्रारंभ होने चल रहा है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए कक्षाएं आपकी आज से ही प्रारंभ होने चल रही है। 3 दिन आप कक्षाओं को यूट्यूब पर डेमो के रूप में देखेंगे, 4थे दिन से कक्षाएं आपकी वेबसाइट पर चली जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया भी आज से ही प्रारंभ है और अगले 3 दिन तक आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एंट्री जूनियर लिखकर भेजना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम एक विस्तृत मैसेज के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी और आपको सभी जानकारियां प्रदान करेगी। बहुत ज्यादा समय नहीं है, अमूमन जब संस्थान में बैच प्रारंभ होता है तो आप सभी लोगों को 7 से 8 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि परीक्षा की तिथि बहुत दिन बाद होती है या परीक्षा की तिथि होती नहीं। यहां पर सिलेक्टेड अगर देखा जाए तो 2 माह का समय है, 59 डेज में हमें पूरे सटीकता के साथ बहुत अच्छा कार्य करना है। हमारी टीम ने इसीलिए इस बैच का नाम निश्चय बैच रखा है। हमारे सभी अध्यापक इस पाठ्यक्रम की बारीकी को समझते हुए कि आप लोगों को जूनियर लेवल पर कैसे पढ़ाना है, प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर जाना है और विषय में टीजीटी पीजीटी से थोड़ा सा नीचे आना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भेड़ चाल में गलत ही पढ़ाई करते रहें और वास्तव में आपको जिस पथ पर चलना चाहिए, जिस रणनीति के साथ चलना चाहिए, वो रणनीति आप फॉलो ही ना कर पाए और आप चयनित हो सकते हैं लेकिन आपने गलत निर्णय लिया इसलिए आप चयनित ना हो पाए। तो इस परीक्षा में मैंने पहले कहा वही चयनित होगा जो आज से और अभी से तैयारी शुरू करेगा, क्योंकि अगर 3 से 4 दिन भी आपने सोचने समझने के लिए निकाल लिए तो शायद फिर आप इस लक्ष्य से काफी दूर हो जाएंगे। क्योंकि समय की मांग यहां पर यह है कि आप तुरंत से, अभी से तुरंत प्रारंभ करिए, क्योंकि समय की मांग यहां पर यह है कि आप तुरंत से, अभी से और पूरी सजगता के साथ प्रारंभ करिए। इसीलिए हम लोगों ने इस बैच का नाम रखा है निश्चय बैच। आइए बता दूं इस बैच के बारे में, इसके अतिरिक्त दिए गए नंबरों पर फोन करके भी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। इतने सारे नंबर आपको दिए गए हैं, ये 6 संस्थान के प्रमाणित नंबर हैं। इन नंबर पर आप प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे काउंसलर सदस्यों से बात करके अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 बैच का निशुल्क टेलीग्राम नीचे दिया गया है। निशुल्क टेलीग्राम का मतलब यह है कि संस्थान आपको जो कक्षाएं शुरू कर रहा है उन कक्षाओं को आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाएगा। 4 दिन तक समस्त जानकारियां, समस्त नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही प्रेषित किए जाएंगे और उस टेलीग्राम पर आपको तैयारी की इतनी रूपरेखा दी जाएगी कि अगर आप हमारे बैच से नहीं भी जुड़ रहे हैं
तो भी आप बहुत आसानी से इस परीक्षा की बारीकियों को समझ सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं और इस परीक्षा के चयन के आसपास पहुंच सकते हैं। अगर आपको स्वयं से भी तैयारी करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। जिन लोगों को बैच में प्रवेश लेना है वो तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि कक्षाएं जो आज से आपकी प्रारंभ हो रही है वो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रारंभ होंगी। अगले 3 दिन आपको सभी कक्षाएं यहां से मिलेंगी। कक्षाएं निश्चित रूप से प्रारंभ इसलिए हो जाएंगी क्योंकि समय की सीमा है और समय हमारे पास बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती का अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से यहां पर प्रश्नों को बांटा गया है, प्रश्न पत्र को कैसे बांटा गया है, तो 50 प्रश्न आपके सभी के लिए अनिवार्य हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान है, जिसको आप सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, समसामयिक घटनाएं हैं और तार्किक ज्ञान है। यहां पर देखिए थोड़ा सा मेरा रोल अहम होने वाला है आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र में, क्योंकि इन 50 प्रश्नों में अगर देखें तो समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान रीजनिंग आपको जो दिया गया है यहां से लगभग 20 प्रश्न में आपके कवर करूंगा। अगर यूपी स्पेशल को भी ले लिया जाए तो 5 प्रश्न और जोड़ दीजिए, 25 प्रश्न जो अनिवार्य प्रश्न पत्र के आपके हैं। यहां पर इन 50 में से जो जितना अधिक करेगा वो उतना अधिक लीड करेगा। करंट अफेयर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में एक रिकॉर्ड की तरह है कि आपको लगभग लगभग पूरा करंट अफेयर्स मिल जाता है, जो मैं आपको पढ़ाता हूं या जो हम और आप लोग साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहां पर सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अनिवार्य प्रश्न पत्र का लगभग आधा हिस्सा मैं स्वयं ही आपको कवर करा रहा हूं इस परीक्षा में। तो जो भी करंट अफेयर्स की 20 से 25 कक्षाएं हैं, जो भी इसके लिए आपकी रटलो होने चाहिए और जो यूपी स्पेशल होने चाहिए और रीजनिंग की जो भी स्पेशल कक्षाएं होनी चाहिए, इस हिस्से की जिम्मेदारी में लेते हुए इन 50 प्रश्नों में से मैं आपको वादा करता हूं कि 25 प्रश्न मैं स्वयं ही आपको लगभग लगभग कवर करा दूंगा। और 25 प्रश्नों के लिए बहुत ही शानदार और गुणवान टीम है, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन है, नोट्स है, सामग्री है, जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक कि आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है 50 प्रश्नों का, ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ें तो 100 प्रश्न आपके 3 खंड में बटे हुए हैं। अगर आप खंड का लेते हैं या खंड खा लेते हैं तो खंड गा लेते हैं, खंड का में भाषा है, आप या तो हिंदी का चयन कर लीजिए, या तो संस्कृत का चयन कर लीजिए, या तो अंग्रेजी का चयन कर लीजिए। खंड खा में सामाजिक विषय में आप इतिहास, भूगोल ले सकते हैं, नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं। हम पूरी सामाजिक अध्ययन की कक्षाएं आपको एक साथ प्रेषित करेंगे। आपको किन्हीं 2 को चुनना है, आपको जो 2 विषय अच्छे लगे आप उन 2 विषयों का चुनाव कर सकते हैं। पूरा सामाजिक अध्ययन हम एक ही साथ आप सभी लोगों के लिए प्रेषित करेंगे, बहुत शानदार नोट्स के साथ, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के साथ, सामग्री के साथ इस सामाजिक अध्ययन को आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी 2 विषय आपको चुनने हैं आप इसमें से भागों को चुन सकते हैं। और तीसरा है आपका खंडगा में गणित और विज्ञान। संदीप सर जैसे अनुभवी शिक्षक के साथ गणित पढ़िए और आर कुमार जैसे अनुभवी शिक्षक के साथ आप विज्ञान को तैयार कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से बिल्कुल अलग है। कल मेरी संदीप सर और समस्त शिक्षकों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर टीजीटी पीजीटी बिल्कुल अलग है, ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और प्राइमरी का जो सुपरटेट है वो बिल्कुल अलग। ये तीनों अलग अलग विषय वस्तु है, अलग अलग तरीके के इनके लेवल हैं। तो पहले तो ये सामान्यीकृत और जनरलाइज करने की जो प्रक्रिया है इससे आप पहले बाहर निकल आइए। आगे बढ़ते हैं। हमारे इस बैच में निश्चय बैच में है क्या क्या, क्या निश्चय हमने आपके लिए किया है इन 2 माह में, कैसे आप सफल हो सकते हैं। 6+ घंटे की आपकी प्रतिदिन कक्षाएं होंगी, हमें देनी ही पड़ेगी। 4 घंटे की कक्षाएं लगभग लगभग आपकी अनिवार्य प्रश्न पत्र से लेके और आपकी और चीजों की होगी। 2 घंटे की कक्षाएं जो आपकी होंगी वो विषयवार होंगी। लगभग 6 घंटे की कक्षाएं आपकी होंगी, क्योंकि 150 प्रश्न तक की रीच अगर अच्छे से बनानी है तो ये कक्षाएं आपको 6 घंटे का अध्ययन करना पड़ेगा। लगभग लगभग आपको अपने समय को 10 घंटे प्रतिदिन के अध्ययन में आप बांटना पड़ेगा अगर आप वास्तव में इस परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं। जो कार्यकारी लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। सभी कक्षाएं आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जाएंगी और लाइव डाउट सेशन आप लोगों को कराए जाएंगे ऐसे समय पर कि आप सभी लोग इन कक्षाओं को ले सके। रिकॉर्डेड फॉर्म देखिए, वैसे तो संस्थान में जितने भी बैच हैं वो लाइव चलते हैं। इस बैच को रिकॉर्डेड फॉर्म में चलाने का एक उद्देश्य यह है, कक्षाएं आपके बैच के लिए नई बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड की जाएंगी, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में हम एक समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। लाइव में डिस्ट्रैक्शन होता है, टीचर उतना पढ़ा नहीं पाता और आपके बैच में समय इतना नहीं है कि लाइव कक्षाओं को लेकर इतने बड़े पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए।
तो जितने भी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन आंसर की वो पूरी लाइव होगी, डाउट सेशन लाइव होंगे, कक्षाएं आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेजी जाएंगी, साथ ही टॉपिक वाइज सिलेक्टेड की नोट्स जो है वो आपको भेजे जाएंगे। नोट्स, डाउट सेशन और कक्षाओं के साथ आप निश्चित 150 प्रश्न के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं आराम से। उतना स्कोर हम लोग कर सकते हैं जितना स्कोर हमारे चयन के लिए आवश्यक है। 100 विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, मतलब लगभग कंप्लीट 100 टेस्ट आपको कराए जाएंगे, विषयवार आपको 100 टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपने चयन को न केवल पक्का कर सके बल्कि जब आप परीक्षा देने जाए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि आसानी से आप जब उन प्रश्नों को देखें तो वो प्रश्न आपके आगे से निकले हों और आप वहां पर सहजता से उन 2 से 3 घंटों का उपयोग अपना कर सके, है ना, जो 150 प्रश्न के लिए आपका है। संभावित प्रश्न उत्तर श्रृंखला, प्रत्येक विषय से और सामान्य अध्ययन से आपको संभावित प्रश्न उत्तर श्रृंखला दी जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक होगी। लगभग 500 प्रश्नों की श्रृंखला ये आपकी संभावित होगी। सिलेक्टेड प्रिंटेड नोट्स होंगे, इसके अलावा टॉपिक वाइज की नोट्स होंगे। जब आपका पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज होगी, मैराथन रिवीजन का ट्रेंड है, मैराथन रिवीजन कक्षाएं होगी। इतना सब करना है 11 अप्रैल के पहले, आपको भी 10 घंटे का निश्चित करना होगा अगर चयन लेना है, और हम भी 6 घंटे का निश्चय कर चुके हैं, इसीलिए कक्षाएं कल से ही प्रारंभ है। टेलीग्राम पर कक्षाएं कल से ही प्रारंभ हो जाएंगी, तो जिन लोगों को चयनित होना है वो लोग बिल्कुल भी इंतजार ना करें। संस्थान बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, आप सभी अध्यापकों को जानते हैं, सभी अध्यापकों के डेमो आपने देखे हैं, आप समझते हैं कि सभी अध्यापक आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। एक बार मैं अध्यापकों की लिस्ट भी आपको बता दूं, 11 अध्यापक हैं जो आप लोगों को लेके चलेंगे, सभी अध्यापकों से लगभग आप परिचित हैं। गणित और विज्ञान में अगर गणित पढ़ना है तो संदीप सर है, विज्ञान के लिए आर कुमार सर हैं, भाषा में हिंदी के लिए अमरेश भट्ट सर हैं, इंग्लिश के लिए हमजा हसनी सर हैं और अनिल मिश्रा सर हैं आपके संस्कृत के लिए। सामाजिक विषय में गौरव नरेंजन सर, भूगोल के लिए गौरव पांडे सर हैं आपके जो है, इतिहास के लिए अंकित पांडे सर हैं, अर्थव्यवस्था के लिए ज्योति मैम, डॉक्टर ज्योति मैम है आपकी, संविधान नागरिक शास्त्र राज्य व्यवस्था के लिए वीके शुक्ला सर है। एडिशनल जो भी पोर्शन आपका होगा जहां पर जरूरत होगी वो आपको उसको बताएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक करंट अफेयर्स और रीजनिंग में, तो करंट अफेयर्स और रीजनिंग का पूरा हिस्सा लगभग जो 25 प्रश्न का आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र का है वो मैं पूरा करा दूंगा। बाकी पूरी टीम आपको देख रहे हैं, यहां पर पूरी टीम है आपकी जो आपको सामान्य ज्ञान को तैयार कराएगी, सामान्य अध्ययन के पोर्शन को आपको तैयार कराएगी। तो टीम 11 एक प्रश्न अभी तैयार करा देता हूं। टीम 11 यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी कोरोना संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए, जिसमें प्रमुख सचिवों को शामिल किया गया था। यहां पर टीम 11 टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने बनाई है 11 अप्रैल के लक्ष्य को निश्चय रूप से भेदने के लिए। आइए हम और आप साथ मिलकर इस सफलता की यात्रा में जुड़ते हैं। कतई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार आप संस्थान पर अच्छे से भरोसा करिए, यह निर्णय आपका जीवन बदलने वाला निर्णय होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। इससे पहले बीओ जैसी परीक्षा में लगभग 50 सिलेक्शन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से होना एक बड़ी बात है, और सुपर टेट प्राइमरी में 3218 सिलेक्शन, 3218 सिलेक्शन अभी तक ज्ञात टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। तो सफलता हमारी पहचान है, हम इतनी जबरदस्त मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं। नीचे आप बैच के बच्चों के फीडबैक और कमेंट से देख सकते हैं कि आपके निर्णय को वो सुझाव, वो कमेंट और फीडबैक निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। ये वो सदस्य हैं जो पिछले 2 या 3 महीनों से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। आप उनके कमेंट देखिए, उनके कमेंट का जज्बा, उनके कमेंट की भावना आपको बताएगी कि वास्तव में हम लोग किस प्रकार से मेहनत करने आपके साथ चल रहे हैं। इस परीक्षा से संबंधित मैं कुछ और विषय बिंदुओं पर आपकी बात को निश्चित करूंगा, समझना चाहूंगा। सबसे पहले आपका ये जो पत्र आया है, इस पत्र के प्रारूप को आप समझने की कोशिश करिए। ये जो पत्र है इसमें सबसे ऊपर लिखा है शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध, ऐसा बहुत पत्रों में नहीं लिखा होता, आप इस पत्र की गंभीरता को समझिए, है ना। शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्ध, है ना, मतलब सरकार कमर कस चुकी है, अब कोई भी इफ एंड बट इसमें बाकी नहीं है। एक घंटा भी अगर आप रुके, एक घंटा भी अगर बर्बाद किया तो आप अपना नुकसान करेंगे पढ़ाई लिखाई में। दूसरी बात, इसके जब आप दूसरे पेज पर पहुंचेंगे और इसके दूसरे पेज के अंतिम बिंदुओं तक पहुंचेंगे तो समझ लीजिए, ये देखिए क्या लिखा है। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें
सभी को मौका मिलने जा रहा है, सभी को मौका। सभी को मौका कैसे? आप टेट पास नहीं भी हैं तब भी आपको मौका मिलेगा, आप बाद में टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिए, विस्तृत नोटिफिकेशन में चीज क्लियर हो जाएगी। इस बिंदु को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है यहां पे? लिखा है साफ साफ, देखिए बेटा जहां पर ये लिखा हुआ है छठवां बिंदु छह, बिंदु संख्या आठ के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। मतलब आप परीक्षा पास करके भी टीईटी को पास कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु टीईटी से पहले आपकी ये परीक्षा होगी, इसलिए इस परीक्षा में कोई इफ इनवर्ट नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है, आप यहां पर देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक ज्ञान का पाठ्यक्रम है, इसके बाद पूरा पाठ्यक्रम है। सबसे अच्छी बात, ऐसा उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में कमी होता है कि वैकेंसी के साथ ही आपको पूरी परीक्षा का प्रारूप और कैलेंडर दे दिया जाए। यहां पर परीक्षा का फॉर्म विज्ञापन विस्तृत 18 को, फॉर्म कब से आएगा 22 को, पूरी डेट्स आपको दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया देते हुए लास्ट में यह तक बता दिया गया है कि आपकी उत्तरमाला कब जारी होगी। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला 16 अप्रैल को जारी हो जाएगी, और इसके बाद पूरे रिजल्ट की सूचना के साथ 100% आपको जुलाई के सेशन में नियुक्ति थमाने का पूरा दृढ़ संकल्प कमीशन कर चुका है। तो अब आपके दृढ़ संकल्प की बारी है, है ना। संस्थान में बैच प्रारंभ है, स्वयं से पढ़ना है तब भी संस्थान की तरफ से इतनी जानकारियां आपको प्रेषित की जाएगी, लेकिन जिन लोगों को चयनित होना है आपको स्वयं से पढ़ना है, संस्थान में पढ़ना है, गंभीर हो जाइए। अगला एक घंटा भी आपके लिए बहुत कीमती है। आप अगर सोचते सोचते 3 दिन निकाल लिए तो आप इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, है ना। तो समय की गंभीरता और बोध को समझते हुए आगे बढ़िए। प्रवेश प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ है। डिस्क्रिप्शन में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के निशुल्क टेलीग्राम चैनल को दिया गया है। सबसे पहले इस बैच के निशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वो सभी सदस्य जिनको प्रवेश लेना है और नहीं लेना है। प्रवेश प्रक्रिया मैं प्रारंभ में भी आपको बता चुका हूं, आप देख लीजिए एक बार, डिस्क्रिप्शन में भी चल रही है। आइए हम और आप मिलकर सफलता की इस यात्रा में शामिल होते हैं। मैं वादा करता हूं, ये जो आपका निर्णय होगा, ये जो आपका निश्चय होगा, ये भविष्य बदलने वाला निश्चय होगा। जय निश्चय, तय निश्चय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कक्षाओं में मुलाकात जल्दी होगी। धन्यवाद।